उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद में हुआ बड़ा सड़क हादसा। आपको बता दें, यूपी के कन्नौज जिले में गुजरने वाली लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के 165 किलोमीटर माइंस पर घने कोहरे के चलते एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक लखनऊ से बालाजी दर्शन के लिए इको स्पोर्ट कार से जा रहे थे, तभी 150 किलोमीटर माइल्स पर ट्रक से पीछे से जाकर टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। सभी मृतक लखनऊ के काकोरी थाना इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के सदस्य हुए मृतक। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे का शिकार हुए कार से सभी को निकालकर तीरबा मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृतक घोषित कर दिया। हादसे का शिकार हुए लोगों का नाम ज्ञानेंद्र यादव, सोनू यादव, प्रमोद यादव, सत्येंद्र यादव व सूरज मोहित था। आइए जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने क्या बताया। आइए आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। डॉक्टर साहब, किस तरीके की घटना थी, कितने लोग इसमें मृत थे? ये रोड पर एक्सप्रेस वे एक्सीडेंट हुआ था, जो कि 1 बजे के टाइम पे हुआ, और सारे जो 6 मरीज आए थे, जिसमें सारे मृत अवस्था में लाए गए। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में 3 बजे के आसपास आए गए सारे मरीज। मृतकों की संख्या कितनी है डॉक्टर साहब? 6 लोग मृत अवस्था में लाए गए। हाँ, सारे मृत अवस्था में लाए गए।